झारखंड के युवाओं के लिए निकली बड़ी खुशखबरी। वन विभाग में नौकरी का मौका, निकली रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर की भर्ती। जाने क्या है इसकी उम्र सीमा, क्या है शैक्षणिक योग्यता और कब तक अप्लाई कर सकते हैं और क्या शारीरिक मापदंड है इस वैकेंसी के लिए। तो पूरा विस्तार में इस जो है वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या उम्र सीमा में छूट मिलेगी, क्या जो है शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। तो झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए आवेदन 29 जुलाई से ही शुरू हो गया है और आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त है। आवेदन JPSC की वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर करना है। नोटिफिकेशन के अनुसार झारखंड में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की कुल 170 वैकेंसी है, जबकि असिस्टेंट कंजर्वेटर पद पर 78 वैकेंसी है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट कंजर्वेटर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए 2 अधिसूचनाएं जारी की है। इसमें कहा गया है कि झारखंड राज्य के जो वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में झारखंड वन सेवा के सहायक वन संरक्षण असिस्टेंट कंजर्वेटर के 78 और वन क्षेत्र पदाधिकारी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के 170 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब इस वैकेंसी में बात कर लेते हैं कि क्या शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट जो है रेंज ऑफिसर असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पशुपालन एवं जो है पशु चिकित्सा विज्ञान, बोटनी, केमिस्ट्री, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, फिजिक्स, सांख्यिकी, जूलॉजी, पर्यावरण विज्ञान में से किसी एक विषय के साथ ग्रेजुएशन किया होना चाहिए या फिर सिविल, मैकेनिकल एवं जो है केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया होना चाहिए। अगर ये डिग्री आपके पास है तो ये आप अर्हता रखते हैं इस वैकेंसी के लिए। अब बात कर लेते हैं कि शारीरिक मापदंड और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊंचाई की। अभी पुरुष के लिए तो अनुसूचित जाति के लिए 152.5 सेंटीमीटर और अन्य कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 163 सेंटीमीटर रखी गई है। वही जो है बात करें अगर महिलाओं की ऊंचाई की तो अनुसूचित जाति के लिए 145 सेंटीमीटर और अन्य कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 150 सेंटीमीटर रखी गई है। अब बात करते हैं कि सीना की। तो सीना बिना फुलाए पुरुष के लिए जो है 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर फुलाना शामिल है। वही शारीरिक परीक्षण जो है पुरुष के लिए बात करें तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको पैदल चलना है। पुरुष के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है और शारीरिक परीक्षण महिलाओं के लिए बात कर ली जाए तो 4 घंटे में महिलाओं को 14 किलोमीटर तक पैदल चलना है। उम्र सीमा की अगर बात कर ले तो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर पदों के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल है, जबकि अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित वर्ग के लिए जो है 37 साल है। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम जो है उम्र सीमा में जो है नियम के अनुसार छूट भी मिलेगी। अब जो है बात कर लेते हैं सैलरी की। तो जो है पे बैंड में जो है 9,300 से 34,800, ग्रेड पे 5,400 दिया जाएगा। वही पे बैंड 9,300 से 34,800, ग्रेड पे 4,200, लेवल 6 के अनुसार दिया जाएगा। तो ये इस वैकेंसी के लिए जो है उम्र सीमा थी, शैक्षणिक योग्यता थी, शारीरिक मापदंड था। तो अगर आप भी वन विभाग में नौकरी की सोच रहे हैं तो इसमें जो है रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर की भर्ती निकली है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भी जो है खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।